अभी मैं सांची के पास जाके ना एक करने वाला हूँ छोटा सा प्रैंक, मिलना जैसे तैसे करके पास साइन करो और बारह 10 दिन के बाद हमें पता चल जाएगा हमारा गोल्डन प्ले बटन आएगा या नहीं आएगा। मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। मिनट, पहले आंखें तो बंद कर ले। ये ले। ओ भाई इतना प्यारा फोन है। काफी टाइम से भाई मैं सोचा था की आईफोन 15 लेने के लिए, फिर मैंने सोचा यार मेरे पास तो फिर भी 13 Pro Max है लेकिन सांची के पास आईफोन 11 है। आपको पता ही होगा आईफोन 11 भाई कितना टाइम पहले आया था और सांची को उस फोन को चलाते हुए 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना यार इसको भी एक गिफ्ट कर देते हैं यार। तुम्हारे भाई ने सांची ले लिया आईफोन 15 पिंक कलर में और भाई क्या ही सुंदर फोन है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ तुम्हारा भाई इस टाइम आया कहाँ हुआ, ये देख रहे हो, ये चेक करो, ये देखो तुम्हारा भाई अभी आया हुआ है सित्रावली साइड, क्योंकि अभी तुम्हारा भाई जा रहा है सांची की यूनिवर्सिटी। ये लगी अपनी माफिया और व्यू चेक करो भाई क्या लोकेशन लग रही है। सो गाइस आपको मैं बताता हूँ भाई इस ये रहा फोन, ये देखो गाइस तुम्हारे भाई ने लिया है सांची के लिए आईफोन 15 ठीक है, ये पिंक कलर में देख सकते हो। तो गाइस बाकी आप लोगों को मैं बता दूं भाई अभी मैं सांची के पास जाके ना एक करने वाला हूँ छोटा सा प्रैंक। प्रैंक ये करने वाला हूँ कि मैं सांची का फोन मांगूंगा कि यार मैंने अपना फोन बेच देना है और मेरे को फोन की बहुत जरूरत है, तेरा फोन मेरे को चाहिए। तो गाइस वो मायूस तो होगी क्योंकि फोन के बिना वो क्या ही करेगी। बाकी देखते हैं सांची का रिएक्शन क्या रहने वाला है। अभी तो मेरे को यहाँ से आधा घंटा लग जाएगा सांची के पास पहुंचने के लिए, तो चलते हैं रास्ते में रुक रुक के आप लोगों से बातचीत करता रहूंगा। और गाइस 10 दिन के बाद हमें पता चल जाएगा हमारा गोल्डन प्ले बटन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया हुआ है। तो देखते हैं यार मैं चाहता हूँ बस हमारा गोल्डन प्ले बटन जल्दी से जल्दी आ जाए। बाकी आप एक बार अपनी माफिया वरना चेक कर रहे हो भाई क्या ही लग रही है अपनी गाड़ी, और ये चेक करो भाई व्यू, व्यू भी कितना क्रेजी लग रहा है यहाँ से। तो गाइस चलो फटाफट निकलते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ सांची की यूनिवर्सिटी। गाइस अभी तुम्हारा भाई अंदर आ चुका है गाड़ी के क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा था शोर। तुम्हारा भाई आ चुका है टोल क्रॉस करके भाई, ये सामने चेक करो भाई, ये आपको पता ही है भाई कौन सा व्यू है और कौन सा रोड है क्योंकि यहाँ पे हर बार तुम्हारा भाई रुकता है। और आपको पता ही है भाई टनल पे आप लोगों को साउंड भी सुनानी है। अभी तुम्हारा भाई अभी आ चुका है बाहर क्योंकि भाई तुम्हारा भाई रुक रुक के इसलिए जा रहा है क्योंकि सांची की अभी क्लास चल रही है ठीक है, जब तक तुम्हारा भाई भाई पहुंचेगा तब तक उसकी क्लास भी खत्म हो जाएगी। बाकी आप एक बार चेक करो भाई अपनी माफिया वरना क्या ही लग रही है, बस थोड़ी सी गंदी हो रखी है और तुम्हें पता है तुम्हारा भाई यहाँ पे हर बार रुकता है। जो भी तुम्हारे भाई ने आज तक गाड़ी ली है, बाइक हो गई गाड़ी होगी, हर बार यहाँ पे रुकता है। अपनी Z900 को लेके भी जब यहाँ पे आए थे तब भी रुके थे, ZX10R को लेके आए थे तब भी रुके थे, Z1000 को लेके आए थे तब भी रुके थे, और आज अपनी माफिया को लेके आया तो भी यहीं पे रुके हैं। सो गाइस अभी आपको मैं सुनाने वाला हूँ अगर टनल में साउंड ज्यादा नहीं, टनल में साउंड सुनाऊंगा देन उसके बाद आगे निकलेंगे और सीधा आपको मिलूंगा फिर सांची के पास। गाइस जाने से पहले सोच रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे भी एक बार साउंड सुना देता हूँ हल्की सी, ये चेक करो, देख रहे हो, ये सुनो, देख रहे हो, अभी तो आपको पता नहीं चल, सुन रहे हो भाई, सुन रहे हो, फायर देख रहे हो क्या मार रही है गाड़ी। सुन रहे हो साउंड, सुन रहे हो, ओ भाई साहब टनल में तो अलग ही साउंड आ रही है। सो गाइस चलो अभी फटाफट निकलते हैं भाई और कमेंट करके बता देना आप लोगों को अपनी माफिया पर लगी साउंड कैसी लगी। सो गाइस चलते हैं फटाफट सांची के पास, अब आप लोगों को सीधा सांची के पास जाके मिलूंगा। तुम्हारा भाई फाइनली अभी पहुंच चुका है भाई सांची यूनिवर्सिटी के बाहर, ये लगे तुम्हारे भाई की गाड़ी देख सकते हो और सांची को भी मैंने कॉल कर लिया हुआ है, वहां से आएगी सांची। तो बैठते फटाफट गाड़ी के अंदर और करते उसके आने का वेट और करेंगे अपना ड्रामा शुरू। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो भाई सांची आई और फोन भी हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको क्या पता इसके साथ क्या होने वाला है। हंस रही है, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हाल है, देख ले तेरी इतनी याद आ रही थी तेरे से मिलने के लिए आ गया थी तेरी यूनिवर्सिटी, हालांकि अभी इसने कल घर पे आना है। अभी आज ही आ गए क्योंकि एक तेरे सैड न्यूज है, बताऊंगा बाद में, बैठ तो सही, अभी अंदर तो आ जा, सैड न्यूज तेरे लिए नहीं है मतलब मेरे लिए भी है। और बताओ कैसी हो तुम, बढ़िया हो, बढ़िया होनी चाहिए। तुझे पता, देख मैं तेरे साथ तेरे पास पता क्यों आया, एक प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा बताता हूँ ना, इतनी भी बड़ी नहीं है, छोटी मोटी है, क्लास खत्म होगी, पढ़ाई होगी, कर लिया होमवर्क कर लिया। आगे चलते हैं, अब यहीं पे बताऊँ क्या, आगे नहीं चले। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं आगे, ये है इसका सांची की यूनिवर्सिटी का गेट। अभी सांची को आधे घंटे के अंदर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि गेट हो जाएंगे बंद, अगर हम आधे घंटे से ज्यादा लेट हो गए तो फिर तू अंदर नहीं आने देंगे, तो फिर बाहर बंदरों के साथ सोएगी। ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा वैसे ही मन कर रहा था इससे मिलने का,
मतलब मन क्या कर रहा था? मेरा बस वैसे ही मन कर रहा था मिलने का, मैंने फोन करके बोला सांची मेरे को आज मेरे से टेक्स्ट में मिलना, जैसे तैसे करके पास टाइम करो और बारह। नहीं देख, मैं तेरे को बताऊं बात क्या, तो ये आज व्लॉग इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने अपना फोन बेच दिया है, क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है? तो मैंने अपना फोन बेच दिया, तेरा फोन थोड़ा टाइम के लिए चलाने के लिए चाहिए, ले लो। दे देगी? ले लो। तो तू क्या चलाएगी? मैं घर पे देख लूंगी, मम्मा का पुराना पड़ा होगा तो। अभी तो घर पे तो नहीं जा रही ना, तो अभी देख लूंगी, एक ही तो दिन है यार। रह लेगी फोन के बिना? नहीं रह सकती क्या यार, नहीं मजाक नहीं, सच में तो साथ में लेके पास पड़ा। दिखा फोन तो दिखा दे अपना भाई, मेरे को कम से कम 10 दिन लगेंगे। अरे मम्मा का पुराना फोन पड़ा है ना। पक्का? बंदा कुछ प्लान करके आया होता है, कुछ बंदा सोच रहा होता है कि ये करूंगा वो करूंगा, देख रहा गाइस इसको बंदा क्या ही बोले। हाँ मैं हाँ मिला देती है यार, इसको क्या ही बोलो, आप बताओ, देख रहे हो मैंने भी क्या सोचा था कि मैं क्या क्या करूंगा। अब एक काम कर, बैग पकड़ पीछे से मेरा, बम्बल बी वाला बैग गाइस हमारा, पूरा खोलना यार, मेरा हाथ कैसे पहुंचाऊं पीछे, हाथ पहुंचाओ, खोल, क्या कर रही है? हाँ जी भैया, भैया क्या हाल है? ठीक हो? और बताओ वीडियो देखते हो मेरी, कैसी लगती है? बढ़िया लगती है। अच्छा एक मिनट, पहले आंखें तो बंद कर ले, आंखें बंद कर ले, ये ले तेरे ब्रांड न्यू फोन iPhone 15 पिंक कलर का, पकड़ जल्दी, क्या हो गया मुझे पता, तू पकड़, एक मिनट पकड़ तो सही, तू कब से चला रही है ये फोन, है कब से चला रही है? तो? 2 साल से ज्यादा हो गया ना, इट्स टाइम टू अपग्रेड नाउ। तो गाइस ये रहा भाई सांची के लिए, मैंने सोचा था कि तेरे को तंग करूंगा, बोलूंगा तेरा फोन चाहिए, और तू बोलेगी नहीं नहीं मैं फोन के बिना नहीं रह सकती, और तूने बोल दिया कि ले लो। अच्छा खोल तो सही, अनबॉक्सिंग तो कर, मैंने देखा भी नहीं अभी तक फोन, ही पता तेरे को यार, पागल हो यार। अच्छा खोल ना यार। मेरा बहुत मन था यार कि तेरे को फोन लेके दूं, ठीक है? ओ भाई इतना प्यारा फोन है, इधर तो दिखा गाइस, ये चेक करो भाई कितना सही कलर है यार इसका, पिंक गाइस, ये चेक, ये खुशी चेक कर रहे हो ये, ओहो क्या ही फोन है भाई, क्या ही चमक रहा है, बहुत प्यारा है। मैं तेको पहले दे सकता था, पता है पहले ही दे सकता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं दिया, क्योंकि पिंक कलर मिल ही नहीं रहा था, स्टॉक में नहीं था, इसी चक्कर में टाइम लगे, ऑन तो कर ले, क्या हो गया? सुनो दिखा। सो गाइस ये देखो यार, पिंक कलर मेरे को बहुत पसंद था, वो देख रहे हो मैच मैच नहीं हो रहा गुसान जी के साथ, गुलाबी गुलाबी, क्या हो गया बोल तो सही कुछ भाई, शौक देते हो यार। ये है iPhone 11 जो 2 साल पहले लिया था, और इस फोन को एक स्क्रैच भी नहीं है। अच्छा वो तो ठीक है गाइज, आपको मैं बताता हूँ, तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे भाई ने 14 प्रो मैक्स भी लिया हुआ है, ये देख सकते हो, मजाक करूँ गाइज, ये मेरे फोन का डब्बा है, ये मैंने ये स्टार्टिंग से ही रखा हुआ है मैंने। सो गाइज आज मैं सो रहा हूँ, थंबनेल डाल दिया जाए, गाइज मोटा खर्चा कर दिया, 3 लाख रुपए के फोन ले लिए। चल फिर देख भाई, बात यह है कि अब तू चला फोन आराम से, देख। सो गाइज देखो भाई, अंधेरा भी काफी ज्यादा हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ, गिनी बाहर आना। अभी सांची जा रही है वापस यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे रहते हैं मेरे रिलेटिव, मैं जाऊँगा उनके घर पे, क्योंकि हो सकता है सुबह सांची को मैं ही लेके जाऊँ वापस। मैं भी सोच रहा हूँ चाचू के पास चले जाता हूँ अपने, ठीक है वहीं पे रहता हूँ, तो सुबह तेरे को मिलने के लिए आऊँगा, और तेरे को वापस लेके चला जाऊँगा घर पे। ओके हाँ हाँ, क्या खुश क्यों हो रही है ये? सो गाइस ये देख रहे हो कितनी खुशी होगी हुई है, बस भाई बस। सो गाइस अभी सांची जा रही है यूनिवर्सिटी, ठीक है आराम से सेटिंग वगैरह कर लेना, मैंने कुछ भी सेट वगैरह नहीं किया है, एप्पल आईडी पुरानी वाली डाल देना, ठीक है वो तो तेरे को पता ही है, ठीक है चल ओके बाय बाय कर दो गाइस, मिलते हैं गाइस अब आपको सुबह, ठीक है ओके बाय बाय। सो गाइस अभी चलते हैं, तो अब आप लोगों को मिलूंगा सीधा सुबह मॉर्निंग में। फाइनली देख सकते हो तुम्हारा भाई अभी सुबह से उठ के रेडी वगैरह हो गया, और टाइम देख सकते हो सुबह के हो रहे हैं भाई 10:45। सो गाइस अभी तुम्हारा भाई निकल रहा है अपने चाचू के घर से, तो अभी मैं जा रहा हूँ सीधा SM वीडियो, सांची को मैंने कॉल कर लिया, सांची को पिक करते हैं क्योंकि उसको घर पे जाना है। फाइनली देख सकते हो पहुंच चुका हूं मैं सांची की यूनिवर्सिटी, और भाई आज बहुत ही ज्यादा तेज धूप निकली है, सांची को मैंने कॉल करके बोल दिया भाई पहुंच गया, फटाफट सांची आएगी, सांची को पिक करके निकलेंगे। भाई आजा जल्दी आ, गर्मी तो कितनी ज्यादा हो रखी है, ये हाथ में तूने अभी भी 11 पकड़ा है, ओह माय गॉड टू टू फोन्स गाइस, देख रहे हो दो आईफोन दोनों की पकड़े हाथ में, ये वाला तो कर दिया ना बंद। चलाया तूने फोन कैसा लगा? अच्छा अच्छा सच में अच्छा, बहुत अच्छा। चल फिर बैठ, चले फिर हम यहाँ से, बाकी आप गाइस एक बार लुक चेक करो अपनी गाड़ी क्या ही लग रही है, देख रहे हो, रख दे बैग अंदर, रख दे अंदर। जैसे मैंने तेरे को आईफोन 15 दिया, ठीक है अब तेरा फर्ज बनता है मेरे को आईफोन 15 प्रो मैक्स देने का। कब दे रही है? जल्दी मजाक कर रहा है यार, मेरे को नहीं चाहिए, मैं भी खुद ले लूंगा थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि 14 प्रो मैक्स वैसे भी बंद हो गया, और 15 प्रो मैक्स मुझे लेना नहीं है, मुझे लेना 14 प्रो मैक्स ही है। तू सो भाई, मैं क्यों सो, मैं तो चिल कर रहा हूँ, चल बैठ जा, आजा गाइस चलो फटाफट भी यहाँ से निकल रहे हैं, चलते हैं भाई क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रखी है। सो गाइस चलो अभी निकले फिर,
यार मैं सोच रहा हूँ यार गिव अवे करने का GoPro। बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ आप चाहते हो कि मैं गिव अवे करूं। अगर मैं गिव अवे करूंगा भी तो मैं करूंगा GoPro, ठीक है 10 और 11 GoPro हो सकता है गिव अवे करूं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि मुझे गिव अवे करना चाहिए। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे इस चीज को लेके तो भाई फॉर श्योर तुम्हारा भाई ऐसा भी करेगा। गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं भाई टनल पे। मैं और सांची सोच रहा हूं आगे रुकते हैं यार, क्या बोलती है? यहां पे तो हमने फोटो शूट किया ही नहीं कभी। हैं रुके गाइस, हम तब रुके थे जब टेनर की साउंड सुनाई थी। मतलब आप चाहते क्या हो? आपको साउंड सुननी है? हाँ, मेरे को अपनी माफिया वरना की साउंड। ओह माय गॉड, सुन रहे हो गाइस? इसको साउंड सुननी है, चला जा फिर। टनल में साउंड जो होती है ना वो अलग ही आती है। चल जल्दी, अब चेक करो साउंड। ओहो कैसी साउंड है सांची? So guys, अभी आपको बहुत ज्यादा शोर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चल रही है और हवा चल रही है बहुत ज्यादा। So guys, अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं हम दोनों। साउंड आपने सुनी लिया, बाकी सोच रहा हूँ सांची का एक दो फोटो शूट कर ही लेते हैं क्योंकि बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है। गाइस फोटो शूट भी कर लिया सांची का, यहाँ पे रुकना ज्यादा सेफ नहीं है भाई, गाड़ी अब बहुत ज्यादा तेज आ रही है तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। ये हॉर्न लगा देगा इस गाड़ी में, क्या बोलते हो? कितना सही हॉर्न है ना, यहाँ पे ज्यादा रुकना सही नहीं है यार, ठीक है क्योंकि गाड़ियां बहुत तेज आ रही हैं। सो गाइस चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। अभी हम दोनों को भूख लग रही थी, अभी हमने कुछ खाने के लिए लिया है अपने लिए, फटाफट खाएंगे देन इसके बाद मैं यहाँ से निकलूंगा, सांची को छोड़ेंगे घर पे। और कुछ खाओगे? लोग कमेंट कर रहे हैं कि सांची दीदी मोटे हो रहे हैं, पहले मुझे बोलते थे अब तेरे को बोलते हैं। कंपटीशन देने आ रही हूँ गाइस, जल्दी ही सांची ना सांची आंटी बन जाएगी। पूछ चुके हैं भाई सांची के घर के बाहर, ये रहा भाई सांची का घर। और अब आप जा क्यों नहीं रहे हो, किसका वेट कर रहे हो भाई? मन नहीं कर रहा ना जाने का, जाओ फोन में। अरे यार गाइस गाड़ी आ गई, ये देख रहे हो ट्रैक्टर आ गया गाइस। तो गाइस चलो आज के व्लॉग में इतना ही, करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे एंड। एंड गाइस कोशिश यही है नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो होगा मोटो व्लॉग। तो गाइस चलो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट मस्त व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।